Welcome to STEM Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is electromagnetic induction by two coils. अगर हम जो दो coils को use करके क्या करेंगे, electromagnetic induction देखेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, current induce करेंगे. ठीक है, इससे पहले हम अभी तक जो देख रहे थे, वो कैसे induce हो रही थी. तो उसमें हम क्या करते, एक ले रहे थे मैग्नेट और एक ले रहे थे कॉइल. ठीक है, अब हम उन दोनों जो मैग्नेट और कॉइल्स थे, तो एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें हमने क्या किया कि मैग्नेट को मूव कराया, तो कॉइल में जो है इंड्यूस करंट क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, या इंड्यूस हुई करंट जो है वो इंड्यूस हुई कॉइल में. दूसरा सिचुएशन क्या था कि हम क्या करें कि कॉइल जो मैग्नेट है उसको स्टेशनरी रखें और कॉइल को मूव करें. क्या करें, कॉइल को मूव करें, तो भी जो कॉइल है उसमें करंट क्या होगी, इंड्यूस हो जाएगी. और कैसे, क्यों इंड्यूस होगी, क्योंकि क्या हुआ, दोनों ही सिचुएशंस में क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है. जो करंट इंड्यूस होता है उसका, इंड्यूस होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो करंट कॉइल में इंड्यूस नहीं होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रही तो करंट जो है कॉइल में इंड्यूस नहीं होगा. ठीक है, हमने ये ऐसा ही कुछ सिस्टम देखा था कि या तो मैग्नेट मूव करे या तो कॉइल मूव करे, तब जाके जो है कॉइल में करंट इंड्यूस होती थी. लेकिन आज जो है हम जो है करंट इंड्यूस करेंगे लेकिन विदाउट यूजिंग एनी मैग्नेट, यानी हम विदाउट किसी मैग्नेट का यूज किए बिना ही हम क्या करेंगे, हम करंट इंड्यूस करेंगे कॉइल में. ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्या करने, उस वो हम कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हम कैसे करने वाले हैं, दो कॉइल्स के साथ. क्या करने वाले हैं, दो कॉइल्स के साथ. यहाँ पे हमारे पास दो कॉइल्स है, कॉइल वन एंड कॉइल टू. ठीक है, कॉइल वन जो है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल. क्या बोलेंगे इसका, भाई हमने नाम दे दिया है प्राइमरी कॉइल, और जो कॉइल टू है उसका नाम है सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, यहां तक कंफर्म है कि अभी जो हम करंट इंड्यूस करवाने जा रहे हैं उसमें हम किसी भी मैग्नेट का यूज नहीं करेंगे, उसमें हम टू कॉइल्स का यूज कर रहे हैं. ठीक है, जो प्राइमरी कॉइल है, जो प्राइमरी कॉइल है, कॉइल नंबर वन को हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी कॉइल, कॉइल नंबर टू को हमने नाम दे दिया सेकेंडरी कॉइल. अब जो कॉइल नंबर वन है यानी प्राइमरी कॉइल है, उसको हमने जो है कनेक्ट किया है किससे, बैटरी से. किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है, ये थोड़ा सा डार्क कर दूं. ठीक है, क्या क्या हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. ठीक, और इसमें हमने एक की भी लगाई है, तो आप की भी लगा सकते हो या स्विच भी लगा सकते हो, डजंट मैटर. ठीक है ना, ठीक. उसके बाद हमने जो सेकेंडरी कॉइल लिया है उसको क्या किया, उसमें आप देखो कहीं भी आपको बैटरी या कोई भी सोर्स नहीं दिखाई दे रहा होगा. यहां पे हमने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर. यहां पे हमने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर. इस सेटअप से आपको एक चीज तो कंफर्म हो जानी चाहिए कि हम जो है करंट कहाँ इंड्यूस हो रहा है, किस वाले कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल में. क्यों, क्योंकि यहां पे हमने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर. और गैल्वेनोमीटर कब लगाते हैं, जब हमें करंट को डिटेक्ट करना होता है कि इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, तो उस कॉइल में हम क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं. अब अगर सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा, इसका मतलब है कि हम करंट किस में इंड्यूस कर रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में. ठीक है, ये है प्राइमरी कॉइल. अब ठीक है, अब हमने पहले क्या किया, अब हमने देखा कि जब हमने क्या किया था, स्विच जो है क्या थी, ओपन थी. स्विच ओपन थी उस टाइम पे कोई भी करंट इसमें सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस नहीं हो रही थी. क्या है, जब स्विच ओपन था तो कोई भी करंट इसमें इंड्यूस नहीं हो रही थी. इसका मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर में उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था. ठीक है,
यहां तक तो आ गया समझ में। अब क्या किया, अब क्या किया, मान लो कि ये जो बैटरी है हमारी, ये 10 एम्पियर की जो है करंट इसमें फ्लो हो सकती है, ठीक है, 10 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो सकती है। हमने क्या किया, हमने तुरंत इसको, इसके स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसके जो की थी, इसकी जो की थी उसको हमने कर दिया क्लोज। जब ये क्लोज नहीं था, जब ये प्राइमरी कॉइल में जब ये की क्लोज नहीं था, उस टाइम क्या था, की ओपन था। इसका मतलब क्या, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने की को कर दिया क्लोज, उस टाइम पे क्या हो गया, पूरी सर्किट हो गई कंप्लीट, एक दूसरे से हो गए सब कुछ कनेक्टेड। अब इस टाइम पे क्या होगा, करंट इसमें फ्लो होने लगेगी, ठीक है, इस प्राइमरी कॉइल में होगी करंट फ्लो, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा कि इसमें 10 एम्पियर की, 10 एम्पियर तक मैक्सिमम जो है 10 एम्पियर तक क्या हो सकती है कि करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही करंट फ्लो होने लगी, ये कॉइल क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों बन गया, क्योंकि ये इसमें होने लगी है करंट फ्लो, और करंट फ्लो होने की वजह से क्या है कि ये कॉइल बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है कोई भी कॉइल, तो वो क्या हो जाता है, वो अपने चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है, क्या कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। हमने बोला कि 10 एम्पियर तक इसमें क्या हो सकती है, करंट फ्लो हो सकती है मैक्सिमम। तो अगर जैसे ही हमने की को क्लोज किया, जैसे ही हमने की को क्लोज किया, तो क्या सीधे ही 10 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगेगी, सीधे ही 10 एम्पियर फ्लो होने लगेगा, नहीं, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो एम्पियर से स्टार्ट होके 10 एम्पियर तक जाएगा करंट जो है, वो जीरो एम्पियर से स्टार्ट होके 10 एम्पियर तक करंट जो है वो जाएगा। तो जीरो से 10 एम्पियर तक जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे। तो जैसे ही हमने की कर दी की को क्लोज, वैसे ही क्या हो, इसमें करंट जो है फ्लो होना शुरू हो गई, और करंट जो है धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक है। उस टाइम पे हमने देखा कि जो कॉइल टू है यानी सेकेंडरी कॉइल, उसमें जो गैल्विनोमीटर है, उसमें जो गैल्विनोमीटर, उसने क्या किया, डिफ्लेक्शन दे दिया, उसने क्या किया, तुरंत जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दे दिया, ठीक है। जैसे हमने की को की किया क्लोज, ये जो कॉइल है वो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के साथ क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें हो गई कॉइल, इस सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन आया। लेकिन आप थोड़ी ही देर बाद देखोगे कि जैसे ही करंट जो है 10 एम्पियर अपने मैक्सिमम करंट पे पहुंच जाएगा, जब अपने मैक्सिमम करंट पे पहुंच जाएगा, उस टाइम पे ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि जैसे ही हमने की को किया क्लोज, उस टाइम तो इसमें डिफ्लेक्शन आया सेकेंडरी कॉइल में, लेकिन जैसे ही की थोड़े देर क्लोज रही, तब तक क्या है, इसमें डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो करंट थी वो, मैंने कहा ना, वो जीरो से 10 एम्पियर तक जाएगी ना, कुछ तो टाइम लेगी, कुछ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ तो टाइम लेगी ना जीरो से 10 तक जाने में, तुरंत तो नहीं बढ़ जाएगी। तो जो जीरो से 10 तक गई बढ़ी, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, करंट के, किसके होता है, करंट के, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे जैसे करंट बढ़ी, जैसे जैसे करंट जो है वो बढ़ती गई, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता गया। यानी जब जीरो था करंट, जीरो एम्पियर करंट था, तब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। यानी जब वन एम्पियर करंट हुआ होगा तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, जब टू एम्पियर हो गया तो उससे ज्यादा, थ्री एम्पियर हो गया तो उससे ज्यादा, फोर एम्पियर हो गया तो उससे ज्यादा। तो यानी 10 एम्पियर तक जाने में मैग्नेटिक फील्ड, जीरो एम्पियर से 10 एम्पियर तक जाने में मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या हुई है, चेंज हुई है, लगातार क्या हुई है, चेंज हुई है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है,
इसकी ही वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। क्या आया? डिफ्लेक्शन आया। हम कब बोलते हैं कि करंट कब इंड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। यहां पे प्राइमरी कॉइल में जब क्या हो रही है कि करंट 0 से 10 एम्पियर तक जा रही है, 0 से 10 एम्पियर तक जब जा रही है, तो लगातार कुछ टाइम तक ही, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम तक ही लगातार क्या हो रही है कि जो करंट, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो लगातार चेंज हो रहा है। चेंज या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। चेंज तो तभी होगा ना, या तो बढ़ रहा हो या तो घट रहा हो। अगर स्टेडी रहेगा तो उस टाइम पे तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो क्या हो रही है, करंट जो है वो लगातार 0 से 10 तक जाने के लिए बढ़ रही है। उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी कॉइल में, वो चेंज हो रहा है। उस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल था उसमें आया डिफ्लेक्शन, उसमें आया डिफ्लेक्शन। अब ये तो बात हो गई, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ी ही देर बाद जो है, थोड़ी मोमेंट्री सेकेंड बाद या मोमेंट्री कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। ऐसा क्या हो गया कि डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि की अभी भी क्या है, क्लोज है, और जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई है। यानी कि अब इस सर्किट में जो ये वाला कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, उसमें लगातार जो है 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। करंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी करंट पे कोई भी चेंज ना आने की वजह से जो कॉइल है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी वो अब हो चुकी मैक्सिमम। अब इससे ना ज्यादा होगी ना इससे वो कम होगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई। करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में, प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होगी? करंट तो इंड्यूस ही नहीं होगी सेकेंडरी कॉइल में। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा है। अब हम फिर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, अब हम इस की को कर देंगे ओपन। क्या कर देंगे? इस की को कर देंगे ओपन। अब जब हमने की को ओपन की तो ये जो 0 से 10 एम्पियर तक करंट बढ़ी थी वो क्या होगी, 10 से 0 एम्पियर तक आएगी। क्या होगी? अब 10 से 0 एम्पियर तक आएगी। अब जब 10 से 0 एम्पियर आएगी करंट, तो करंट क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्राइमरी कॉइल में, वो भी तो चेंज होगा, वो भी तो ज्यादा स्ट्रांग से कम, स्ट्रांग कम, स्ट्रांग उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और फिर लास्ट में फिनिश हो जाएगा। उस टाइम भी क्या हो रहा है, मतलब ये जो की ओपन हुई इस टाइम भी क्या हो रहा है, इस टाइम भी मैग्नेटिक फील्ड हो रही है चेंज। अब जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये देगा फिर से हमें क्या, एक डिफ्लेक्शन। क्या देगा? डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन ये डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में होगा। जब हमने की क्लोज की थी तो गैल्वेनोमीटर ने जिधर डिफ्लेक्शन दिया था, अब जब हमने की ओपन कर दी है तो डिफ्लेक्शन उसके अपोजिट देगा वो, ठीक। क्यों? क्योंकि क्या हो रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड अब जो चेंज हो रही है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट या रिवर्स साइड में रहेगी। समझ में आई ये बात? समझ में आई कि दो कॉइल के साथ हम मैग्नेटिक फील्ड, अरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो कैसे हम देख सकते हैं, वो कैसे हो सकता है दो कॉइल के साथ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि क्या हुआ, जब क्या हुआ, जब हमने पहला वाला में जब की क्या था, ओपन था, जब क्या था, की ओपन था, तब कोई भी करंट जो है इसमें फ्लो नहीं हो रही थी। क्या कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही थी? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो कोई भी करंट जो है इसमें नहीं थी कॉइल टू में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही की को क्लोज किया गया, जस्ट क्लोज, क्या किया गया, जस्ट क्लोज, उस टाइम पे क्या हो गया, आईपी जो हो गया वो बढ़ेगा, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो आईएस है यानी सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है
वो क्या होगा, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब की जो है कुछ टाइम तक, की जो है कुछ टाइम तक क्या हुई, क्लोज रही, कुछ टाइम तक क्लोज रही, उस टाइम पे क्या होगा, आईपी तो जो है वो स्टेडी आ जाएगा, मतलब कि वो स्टेशनरी हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेडी हो जाएगा, और फिर जो आईएस है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट थी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई, अब वो वैसे ही क्या होगी, फ्लो होगी 10 एम्पियर की, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जितनी प्रोड्यूस हो चुकी है 10 एम्पियर पर उतनी ही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी या कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, की को फिर से क्या कर दिया, ओपन कर दिया, क्या कर दिया, ओपन कर दिया, उस टाइम पे जो करंट है प्राइमरी कॉइल में वो क्या होगी, घटेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी, घटेगी, और जो करंट होगा, जो करंट क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में होगा, वो फिर से नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि जब की ओपन होगी तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, जब की जस्ट क्या होगी, क्लोज होगी, उस टाइम पे जो इसमें प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगी वो भी बढ़ेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बढ़ेगा, और इसमें सेकेंडरी कॉइल में क्या होगी, करंट जो है इंड्यूस हो जाएगी। जब की थोड़ी देर तक जो है वो बंद ही रहेगा, अब उस टाइम पे क्या होगा, जो करंट है वो तो इसमें प्राइमरी कॉइल में वो एक अपने एक मैक्सिमम वैल्यू पे आके उसी वैल्यू पे क्या होगी, फ्लो होने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जितनी प्रोड्यूस हो गई है वो उतनी प्रोड्यूस रहेगी। अब कॉइल टू जो है यानी सेकेंडरी कॉइल, उसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो गया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, थोड़ी देर बाद जो है जब करंट जो है 10 एम्पियर की फ्लो होने लगी, उस टाइम पे क्या किया हमने, की को फिर से ओपन कर दिया, फिर से क्या कर दिया, ओपन कर दिया, उस टाइम पे क्या होगी, करंट जो है प्राइमरी कॉइल में करंट जो है धीरे धीरे डिक्रीज होगी, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है चेंज, उसकी वजह से क्या होगी, सेकेंडरी कॉइल में करंट फिर से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि ये जो था आपको टू कॉइल के यूज से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो थ्योरी पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। कंसीडर टू कॉइल्स वेयर कॉइल वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल टू एज सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू बैटरी, व्हेन द की के इज क्लोज द करंट इन प्राइमरी कॉइल टेक्स अ लिटिल टाइम टू राइज फ्रॉम जीरो टू अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। दिस कॉज अ मोमेंटरी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कॉइल, यानी कि कुछ चेंजेस इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। दिस इंड्यूसेस अ मोमेंटरी करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, उतने जितने मोमेंटरी टाइम में जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जितना मोमेंटरी चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में, उतने ही टाइम के लिए मोमेंटरी जो करंट है वो फ्लो होगा सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। सेम हैपन्स इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द की के इज ओपन, सेम ऐसा ही होगा जब हम क्या करेंगे, की को ओपन कर देंगे, तो उस टाइम पे करंट क्या होगी, मोमेंटरी ही क्या होगी, इंड्यूस होगी इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें मोमेंटरी ही चेंज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा रिवर्स में। करंट इज इंड्यूस इन कॉइल टू व्हेन इज कॉइल वन इज चेंज विच इज इंडिकेट बाय द डिफ्लेक्शन एंड गैल्वेनोमीटर नीडल, मतलब गैल्वेनोमीटर के नीडल से क्या होगा कि आपको जो करंट का डायरेक्शन है वो पता चल जाएगा कि अब जैसे कि क्लोज करने पर डिफ्लेक्शन किधर था और ओपन करने पर डिफ्लेक्शन किधर, ठीक है। आई होप कि ये जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था यूज ऑफ टू कॉइल्स वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हो रहा है फिनिश, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी
उसमें हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एसी एंड डीसी करंट, उसको हम करेंगे डिस्कस अपने नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।